नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमास जंग के बीच दूसरे मोर्चे पर भी लड़ रहा इसराइल, हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, IDF ने किया पलटवार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में रहकर बनवाएंगे अपनी सरकार, उमर अय्यूब को घोषित किया PM उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024, इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, राजभर दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री, जयंत की पार्टी को भी मिलेगी जगह। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी माना अजित पवार गुट की असली NCP, शरद पवार को बड़ा झटका। PM मोदी का पुराना मास्टर स्ट्रोक अब दिखा रहा है, पतली होने लगी है ड्रैगन की हालत। मंदी की चपेट में जापान, खो दिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब। नए मंत्रियों को आवंटित बंगले नहीं हुए खाली, अब सरकार ने बंगला नंबर बदले, पूर्व मंत्रियों को भी आवंटित। कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, CAR T सेल थेरेपी के जरिए अब भारत में भी होगा किफायती इलाज। 23 वर्षीय आदिवासी महिला तमिलनाडु में बनी सिविल जज, परीक्षा के दो दिन पहले हुई थी डिलीवरी, घर से 250 किलोमीटर दूर जाकर दिया परीक्षा। सर्दी अभी बाकी है, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, यूपी बिहार में बारिश की संभावना। 17 से 21 फरवरी तक 8 जिलों में भारी वर्षा व हिमपात का अलर्ट, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में होगी गिरावट। SBI को बताना होगा पिछले 5 साल में किस किसने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बेमय हत्याकांड, 20 लोगों को लाइन लगाकर गोलियों से भुना था, फिर भी फैसला आने में 43 साल लगे। बजरंग पूनिया ने दी ब्रजभूषण के बेटे को खुलेआम धमकी। यूपी प्रयोगात्मक परीक्षा देने से वंचित रहे इंटरमीडिएट के छात्रों को मिला एक और मौका। ED ने पेटीएम के अधिकारियों से की पूछताछ, दस्तावेज लिए, गड़बड़ी मिली तो PEMA के तहत होगी जांच। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा की मां का हुआ निधन, 2014 में लड़ी थी लोकसभा चुनाव। नासा मून मिशन, नासा ने 52 साल बाद चंद्रमा के रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव पर भेजा चंद्रयान, SpaceX ने लॉन्च किया रॉकेट। साल 2671 से लौट कर आए शख्स का खौफनाक दावा, आने वाले भयंकर प्राकृतिक आपदा को लेकर दी चेतावनी। फ्लैट खरीदने वालों को IBBI ने दिया तोहफा, कंपनी के दिवालिया होने पर भी मिलेगा घर। 700 साल पहले बनी दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, हाईकोर्ट लगा चुकी है लताड़। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।